छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। बघेल ने कहा कि सारे लोग डरे हुए हैं, बीजेपी केवल उन्हीं नेताओं को मैदान में उतार सकती है जिन्हें 15 साल तक राज्य पर शासन करने के बाद लोगों ने बाहर कर दिया था। और क्या कुछ कहा वो आप भी सुनिए। सारे लोग डरे हुए हैं क्योंकि आपने देखा कि साइंस कॉलेज का हाल भरा नहीं था। जितने बड़े स्थापित नेता भाजपा के जो 15 साल छत्तीसगढ़ को लूटे, वो सब ने हाथ खींच लिया था। इसलिए अमित शाह परिवर्तन यात्रा में आए नहीं, स्मृति ईरानी जी वापस चली गई और इस दबाव के चलते ही सारे लोग को टिकट मिल गई, चाहे अमर अग्रवाल हो, राजेश मूणत हो, अजय चंद्राकर हो, चाहे सारे लोग। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि काडर बेस पार्टी है और काडर का केवल दुरुपयोग करते हैं, उनको केवल ये वोट दिलाने के लिए काम करो, उनके राय शुमारी का कोई मतलब नहीं है। यदि अपने काडर की बात सुन लेते तो 15 साल सत्ता में रहने के बाद 15 सीट में नहीं आते। लेकिन वही चेहरा रमन सिंह, ब्रिजमोहन अग्रवाल, प्रेम प्रकाश पांडे, मूणत और अमर अग्रवाल, यही चलोग रहे हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। तो काडर के यदि सुनते तो पहले तो सोचे थे परिवर्तन कर लेंगे, लेकिन माथुर साहब की भी नहीं चली, भीड़ आना बंद हो गया और इस कारण से दबाव में सारे फैसले ये लोग लिए। वो तो वैसे पूरे प्रदेश में हारे हुए मान लिए हैं वो लोग, मंत्रियों सीट की बात छोड़ दीजिए, पूरे प्रदेश को हारा हुआ मान लिए। ठीक है, उसे क्या फर्क पड़ जाएगा? रविशंकर जी कभी गए नहीं आरंग, या धर सीमा गए नहीं, उसके दौरे से क्या फर्क पड़ना है? और तो स्थानीय कार्यकर्ता ही दिलाते हैं ना, उसके भावनाओं का कदर किए नहीं। ये दिमागी दिवालियापन है, नहीं तो और क्या है। सूर्या का नाटक तो बचा नहीं पाए और यहाँ नाटक कर रहे हैं, तो उसके नाटक कर्नाटक में नहीं चला, यहाँ क्या चलेगा? ठीक है, थैंक यू।